दोस्तों बिग बॉस ऑडिटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय फुकरा इंसान की मम्मी के आते ही मनीषा रानी काफी खुश दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, मनीषा रानी ने आते ही आंटी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। वहीं दोस्तों यहां पर फुकरा इंसान की मम्मी ने मनीषा रानी को किस भी किया और उसे गले लगा लिया। जी हां दोस्तों, अपनी बेटी की तरह उसे गले लगाकर उसे काफ़ी सारा प्यार दिया और कहा कि मनीषा तुम बहुत क्यूट हो, मेरे अब्बू का इतना ख्याल रखती हो तुम, छोटी सी हो लेकिन बहुत काम करती हो। जी हां दोस्तों, मनीषा रानी की जमकर तारीफ हुई है। लेकिन मनीषा रानी ने यहां पर आंटी को एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर आंटी भी काफ़ी हैरान रह गई। दरअसल आंटी को मनीषा रानी ने कहा कि आंटी आप इतने यंग लग रहे हो ना कि मेरे को तो आपका आंटी कहने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे अभिषेक की मम्मी नहीं अभिषेक की दीदी आए हैं, सच में आप बिल्कुल भी नहीं लग रहे कि इसकी मम्मा हो। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ सुनकर यहाँ पर अभिषेक की मम्मा यानी कि डिंपल मल्हान जी भी काफ़ी हैरान हो गई और उन्होंने मनीषा रानी को गले लगा लिया। ये सीन वाकई काफ़ी दिलचस्प है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सीन देखने के लिए फैंस कब से तरस रहे थे, फैंस कब से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर कब फुकरा इंसान की मम्मी आएगी, कब यहाँ पर एल्विस भाई की मम्मी आएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि फुकरा इंसान की मम्मी आज रात भर घर के अंदर रुकने वाले हैं, घर वालों के साथ खूब बातें करने वाले हैं, खूब टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और रही बात एल्विस भाई की, तो एल्विस भाई की मम्मी या तो कल रात घर के अंदर रुक सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कल की रात एल्विस भाई की मम्मी घर के अंदर रुक सकती है क्योंकि बिग बॉस यहाँ पर एल्विस की मम्मी को भी पूरी रात घर के अंदर ठहरने का मौका दे सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको कैसा लगा यहाँ पर मनीषा और डिंपल मल्हान जी का ये रिश्ता, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यदि आप भी मनीषा रानी फुकरा इंसान और एल्विस भाई के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।